डॉक्टर लक्ष्मण यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। आज शायद नेटवर्क उनका गड़बड़ था, इसलिए बहुत देर से उनका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर, हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया बिजनौर में, कहा गया मौसम खराब है, लेकिन उसी खराब मौसम में चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर उतर जाता है। जयंत चौधरी कहते हैं कि मौसम तो बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है, तो प्रधानमंत्री किस डर की वजह से उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे? क्या उनको लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुपड़ा था बीजेपी का, मैं जाऊंगा तो बदनामी मेरे गले क्यों हो? क्या लग रहा है आपको, पूरा परिदृश्य क्या लग रहा है? मुझे निदा फाजली का एक शेर याद आ रहा है कि वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं अतबार न करता तो और क्या करता। तो सियासत में होता यही है कि झूठ को कितनी कलाकारी से बोला जा सकता है, क्योंकि असल में अब कुछ छिपता नहीं है, अब सब कुछ सामने आ जाता है। और आपने तो मैं सुन रहा था, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, जब आपने आज अपने लोगों से आर्थिक मदद के लिए बात कही तो आपने एक वाक्य जोड़ा संजय जी, कि अगर आपको लगता है कि हम गोदी मुंडिया नहीं है और सरकार के दान पर नहीं पल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी मदद करिए। असल में ये जो सोशल मीडिया है ना, ये जिस जो एक एक टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, अगर बात करें खासकर नॉर्दर्न इंडिया में, तो 65 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल पहुंची है, इंटरनेट पहुंचा है, तो कुछ हद तक अब उस मीडिया के भरोसे लोग सूचनाओं के लिए नहीं रह गए। तो आप जो बिके हुई मीडिया घरानों से विमर्श जो तय करते हैं, जरूरी नहीं कि अब उसी रूप में वो विमर्श जनता तक जाए। लोगों को ये समझ में आने लगा है कि अगर आप एक चुने हुए प्रतिनिधि जो मुख्यमंत्री है राज्य का, उसे आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं जिंदा वापस लौट आया, शुक्रिया। अब ये शुक्रिया कहने की आदत इतनी बन गई है कि वैक्सीन का शुक्रिया, 5 किलो अनाज दे रहे हैं उसका शुक्रिया, और जो है हर काम का शुक्रिया। जबकि अफसोस ये है कि आपको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, 80 करोड़ जनता आपकी गरीबी रेखा के नीचे है क्या? बहुत सारी चीजें। तो पहला तो मेरा जवाब ये है संजय जी की जो विमर्श वो बना रहे हैं वही विमर्श नहीं बन रहा। किसानों ने, किसान आंदोलन ने तो समझाया ना इस देश को, जो बिल किसानों के हित में था वो एक क्रांतिकारी फैसला, किसान बिल वापस लिया तो क्रांतिकारी फैसला। तो मीडिया आज भी वही कर रहा है। सच बात यह, जैसे मैं अभी कहूं कि यहाँ बहुत बारिश हो रही है और तो पीछे मेरे शीशे में कैमरे में दिख रहा है कि नहीं भाई लाइट जल रही, कोई बारिश नहीं हो रही है, तो ये बिजनौर का मौसम कोई खराब मौसम नहीं था। और जहां पंजाब जा रहे थे असल में खराब मौसम वहां हो गया था। तो मौसम मौसम जो ये भौगोलिक मौसम है वह अब खराब नहीं है, राजनीतिक मौसम खराब हो गया है। शायद गर्मी ज्यादा बढ़ गई है उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जो बेचैन कर रही है उन सियासी दलों को कि वो अभी, मैं कल परसों से आज मैं देख रहा हूँ संजय जी, लगातार अभी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भाषण मैंने देखा कि हमने सड़क बनाई, हमने जो है मेडिकल कॉलेज खोले, उस पर वोट नहीं मांग रहे। आखिर में कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने क्या कहा, क्या किया, चार दीवारियां बनाई, बाउंड्री बनाई, किसकी, कब्रिस्तान की। ये बयान, उसके बाद गृहमंत्री का बयान। हाँ, अब आपके सवाल का जो दूसरा पहलू है वो दिलचस्प है। पहला तो ये है कि विमर्श बदल चुका है, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब ये गिनना गर्मी ठीक कर देंगे ये सब में नहीं रहा, अब ये हिंदू मुस्लिम में नहीं हो रहा है, बहुत अफसोस है बीजेपी को, तो वो मौसम भी साथ नहीं दे रहा। दूसरा सवाल का जो आपका पहलू था, मुझे लगता है वो ज्यादा अहम है संजय जी, कि असल में इस देश में हो क्या रहा है। शायद रश्मि जी वो बात बोल रही थी, मैं सुन पाया हूं अगर, तो जो हमारे यहाँ क्या है, जैसे ये कांग्रेस पार्टी पर भी ये बात लागू होती थी, जहां चुनाव जीतते थे तो वो केंद्रीय नेतृत्व की विजय मानी जाती थी, हारने पर वो राज्य नेतृत्व के ठीकरे फोड़े जाते थे। तो बहुत कुछ तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, और आज जो भी इस देश के हालात हैं उनमें बीज रूप में कांग्रेस की तमाम नीतियां मौजूद हैं। मैं तो इस बात का पैरोकार हूं, इस देश को अगर बचाने का काम किया तो क्षेत्रीय दलों ने किया है बहुत हद तक, ये मेरा राजनीतिक स्टैंड है। और ये दोनों दल कई बार मिलकर ये चाहते हैं क्षेत्रीय दल खत्म हो, दोनों दलों की ये कोशिश रहती है। मजबूरी ये है कि अलग अलग परिस्थितियों में, आज तो अभी आप बात हो ही रही थी, लखनऊ आ रही है ममता बनर्जी, शरद पवार का गुट है, दक्षिण भारत में स्टालिन जैसा एक मुख्यमंत्री इसी समय इस देश में काम कर रहा है जिस पर बहस नहीं हो रही है, जगन मोहन रेड्डी। मैं पिछले दिनों आंध्रा गया था, मैंने देखा कि
स्कूल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से उन्होंने बदला है उस पर बहस नहीं हो रही। ये एक ऐसे उत्तर प्रदेश के जाहिल मुख्यमंत्री की भाषा में, जाहिल शब्द बहुत सोच समझ के प्रयोग कर रहा हूँ, जिसका शिक्षा से रिश्ता है। तो आप जहालत जो होती है जहनी तौर पर, उसकी वजह से आप ऐसी राजनीति करते हैं कि वो पीढ़ियां बर्बाद करती है। तो अब केंद्रीय नेतृत्व तो बीजेपी का, वह मैंने पिछली बार भी कहा था, वह बीजेपी को तो जिताना चाहता है उत्तर प्रदेश में, मगर योगी आदित्यनाथ को हरा कर वो नेतृत्व तो परिवर्तन करना चाहता है। इसी साजिश, इसी पॉलिटिकल टैक्टिक्स के तहत संभव है कि अगर वर्तमान सरकार बदलती है, ये लोग चुनाव हारते हैं, तो हार का ठीकरा उन लोगों पर नहीं फोड़ा जाएगा जिनके नाम पर 24 का चुनाव लड़ा जाना है। ये मेरा मेरा आकलन है। हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के ऊपर आएगा, हार का ठीकरा उत्तर प्रदेश पे आएगा, किसानों पर आएगा और तमाम लोगों पर आएगा। फिर ये मुझे लगता है कि छवियों के खेल में ये एक बहुत खराब तरीके की साजिश की जा रही है।